सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल आई चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। तो आज का यह वीडियो में इस सोल्डिंग के अंदर हम दिखाने वाले हैं कि इसके अंदर क्या होता है। ये सोल्डिंग आयरन है, इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, वो हम दिखाने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं, तो मैं इसे खोल लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ इसे खोल करके। तो इसे हम खोल लेते हैं, इसके खोलने के बाद हम दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या होता है। चलिए इसे हम खोल लेते हैं मैं जल्दी से इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सोल्डिंग को खोल लिया है और इसे हम बाहर निकालते हैं। ये देख सकते हो, इसे हम बाहर निकाल देते हैं, ये खुल गया है। और ये गाइस ये देख सकते हो, ये रहा हमारा सोल्डिंग और इसको बाहर हम निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ज़्यादा कुछ अंदर में तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एक डायोड है, एक बल्ब है और एक रजिस्टर है, बस इतना ही सा। और इसका कनेक्शन किया हुआ है यहाँ पे ये देख सकते हो कि इसका कनेक्शन किया हुआ है। इसमें अंदर यहाँ पे कुछ तो ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। एक डायोड है, एक बल्ब है और एक रजिस्टर है। वो बल्ब जो इंडिकेटर होता है वही है। गाइस इसका मेन पार्ट इसके अंदर होता है, ये जो देख रहे हो इसके अंदर इसका मेन पार्ट होता है, जिसके कारण ये हीट होता है। तो इसे भी हम खोलेंगे और दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या होता है। इसे हम खोल लेते हैं। सो गाइस ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस एक इंडिकेटर, एक डायोड और एक रजिस्टर है और इसका कनेक्शन किया हुआ है। इसका मेन पार्ट है जो इसके अंदर रहता है, इसे हम खोल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने वैसा ही एक दूसरा सोल्डिंग आयरन लिया है, ये जो ख़राब हो चुका है, हम इसे ही खोलने वाले हैं। बिल्कुल सेम है, यहाँ पे देख सकते हो। और गाइस उसे हम खोलने वाले हैं, ये इसे हम साइड में कर देते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये बिल्कुल उसके जैसा ही है, ये सेम है। सो गाइज अब इसे हम खोलने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि इसके अंदर क्या होता है। तो ये देख सकते हो कि ये कुछ इस टाइप का है, इसे हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको हमें हटाना होगा, ये लगाए हुए यहाँ पे, तो मैं इसे हटा लेता हूँ। राइट, ये हट चुका है और इसे भी हटा लेते हैं यहाँ पे। ये अलग रहता है गाइज, ये सिर्फ लगाया हुआ रहता है इसमें, जो कि अलग होता है। ये आप चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ से। ये देख सकते हो कि ये खुल चुका है, इसे हम हटा लेते हैं। ये देख सकते हो ये अलग हो चुका है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, बस इसमें लगाया हुआ रहता है ये। ये देख सकते हो। और गाइस अब इसको खोलेंगे और इसी के अंदर सारा मटेरियल होता है, इसका मेन पार्ट ये गाइस। तो इसे भी हम खोलने वाले हैं, तो यहाँ से इसे हम तोड़ कर के निकालेंगे बाहर। तो मैं इसे तोड़ता हूँ और इसे इसके अंदर का सारा सामान बाहर निकालता हूँ। तो इसे हम यहाँ से तोड़ लेते हैं। और गाइस आप ऐसा कहीं भी ट्राई ना करना, ये देख सकते हो ये हम तोड़ रहे हैं यहाँ से। ये देख सकते हो गाइस इसमें जो वाइट वाइट गिर रहा है वो रेत होता है गाइस, जो यहाँ पे देख सकते हो कि वाइट वाइट गिरा है वो रेत होता है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पे इसका वायर आया हुआ रहता है इसमें, ये देख सकते हो कि यहाँ से करंट आता है इसमें, इसके अंदर। और ये देख सकते हो इसे हम पूरा निकालते हैं बाहर। ये देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का है, ये देख सकते हो कि मैंने बाहर इसे निकाल लिया है। और यहाँ पे ये देख सकते हो ये जो वाइट वाइट जो इसमें से गिर रहा है गाइस, वो गाइस रेत होता है जो कि इसमें रहता है, डाला हुआ रहता है। यहाँ पे ये देख सकते हो ये रेत है। और गाइस इसमें ये रेत और ये वायर रहता है इसके अंदर। यहाँ पे ये देख सकती हो कि ये बहुत ही पतला वायर है जो कि नाइक्रोम का होता है, ये देख सकते हो ये बहुत ही वो ज़्यादा पतला है, ये बहुत ही पतला है गाइस, नाइक्रोम का वायर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पतला है। यहाँ पे ये देख सकते हो। तो गाइस इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बना होता है सोल्डिंग। यहाँ पे देख सकते हैं नाइक्रोम का वायर है जो कि बहुत सारा लपेटा हुआ है, एकदम बहुत बहुत ज़्यादा पतला है गाइस, बहुत पतला है, ये देख सकते हो यहाँ पे नाइक्रोम का वायर और रेत और इधर वायर। यहाँ पे ये देख सकते हो,
ये सोल्डिंग आयरन में नाइक्रोम की वायर के चलते ये हीट होता है। अगर नाइक्रोम का वायर इसमें नहीं रहेगा तो ये हीट नहीं हो पाएगा। ये देख सकते हो गाइस, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये इसमें डाला हुआ रहता है, ये रेत रहता है गाइस। यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा डाला रहता है इसमें, ये रेत है गाइस। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेटवर्क के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।